इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ की खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग उन्वान पर आपसे मुलाकात करते हैं, और आज हम बात करते हैं मोदी हुकूमत और तीन तलाक के उन्वान पर। अक्सर ये देखा जा रहा है कि भाजपा नेता तीन तलाक कानून को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जहां कहीं भी भाजपा के समावेश होते हैं, भाजपा के नेता तीन तलाक को अपनी उपलब्धि के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ट्रिपल तलाक को लेकर भाजपा नेता ये कहते घूम रहे हैं कि हमें मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने का काम किया है, ये सुनकर बड़ा ताज्जुब महसूस होता है कि आपको किसने कहा था कि तीन तलाक पर इंसाफ चाहिए। अच्छा, इंसाफ ही दिलाना था तो सिर्फ तलाक पर ही क्यों? कहाँ गया था आपका इंसाफ? कहाँ गई थी आपकी मुस्लिम बहनों के लिए फिक्र जब 2002 गुजरात दंगों में मुस्लिम हमला औरतों का पेट चीरा जा रहा था? कहाँ गई थी आपकी मुस्लिम बहनों के लिए तड़प जब गुजरात में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी? कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। तब क्यों नहीं आपको मुस्लिम बहनें याद नहीं आई? तब क्यों नहीं आपको मुस्लिम बहनों का दर्द समझ आया? खैर, तीन तलाक वाली बहनें तो याद आई, पर वो बहनें क्यों याद नहीं आती आपको जो बगैर तलाक के उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है? न ये पति के साथ रह पाती हैं, न पति से छुटकारा पाती हैं ताकि वो अपना दूसरा जीवन शुरू कर सकें किसी और के साथ शादी रचा के। कम से कम तलाकशुदा दूसरी शादी रचा के दूसरी जिंदगी तो बसर कर सकते हैं, लेकिन वो बहन क्या करे जिसका शोहर ना तो तलाक देता है ना तो उसके साथ जिंदगी बसर करता है। और तो और, कितनी ऐसे बहनें हैं जिनका शोहर बीवी से छुटकारा पाने के लिए कितने अजियतें और तकलीफें देता है। कई एक बहनों को तो जान से मार दिया जाता है या खुदकशी करने पर मजबूर किया जाता है। कानून तो ऐसे दर्दों के लिए बनाना चाहिए था जो अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए अपनी बीवियों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं या रास्ते से ही हटा देते हैं। अगर आपको औरतों के लिए कानून ही बनाना था तो बलात्कारियों के लिए कड़े से कड़ा बनाते जिससे हर कोई सबक लेता और ऐसी घिनौनी हरकत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आपको वाकई में किसी की फिक्र होती तो सबसे पहले आप बलात्कारियों के लिए कानून बनाते। तीन तलाक तो आपके लिए बस एक सियासी मुद्दा है। अगर वाकई आप मुस्लिम बहनों के बारे में सोचते हैं तो उनकी तालीम के लिए कुछ स्कीम लाइए, उनके लिए तालीम और रोजगार में रिजर्वेशन लाइए, लेकिन आपको ये नहीं करना है। बस कीजिए इस तरह की धर्म के नाम पर गंदी और घिनौनी सियासत करना। मुसलमान अपनी शरीयत से बिल्कुल खुश हैं, ना तो इसमें तब्दीली की ज़रूरत है ना तो किसी की मदाखलत की ज़रूरत है। आपको अगर सियासत करना है तो डेवलपमेंट की कीजिए, तब जाकर आपको सबका साथ मिलेगा और तब जाकर सही मानों में सबका विकास होगा। आज के लिए इतना ही, फिर देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़ को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और उनवान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।